ऑल राइट तो आज का दिन थोड़ा सा अजीब निकला। सबसे पहले तो दमन मूवी जब उड़िया में रिलीज हुई थी तो इसको देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड था क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसकी तारीफ करी और मुझे लगा कि भाई जब ये मूवी डॉक्टर की कहानी पे बेस्ड है तो अपना देखना तो बनता ही है। लेकिन उस टाइम पे मेरी सिटी में एक भी शो नहीं मिला इस मूवी को तो मैं इसको पूरी तरह से मिस आउट कर दिया। फिर मुझे पता लगा कि मूवी हिंदी में डब हो के आ रही है तो फिर से एक्साइटमेंट बना। लेकिन जब ये हिंदी में डब हो के आज रिलीज हुई तो आज भी इस मूवी को मेरी सिटी में सिर्फ दो शो मिले हैं, विच इज ट्रूली डिसअपॉइंटिंग क्योंकि मूवी काफी अच्छी है। तो दमन बेसिकली एक ऐसी फिल्म है जो मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है जो 2017 में ओडिशा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था ओडिशा के उन एरियाज तक पहुंचने के लिए जहां पर कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता और जहां पर मलेरिया एंडेमिक है, मतलब वो कॉमनली पाया जाता है। और कॉमनली से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा कॉमन। अब मुझे पता है कि इस चीज को सुनकर ये बहुत ही ऑर्डिनरी सी पिक्चर लग रही है और आपको लगेगा कि हाँ इसमें क्या खास है, ये तो कोई भी सुन के और देख के बना सकता है। लेकिन नहीं, अगर आप इस मूवी को देखने बैठते हो तो मूवी आपको पूरा टाइम एंगेज करके रखती है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जब हम इस मूवी के मेन प्रोटैगनिस्ट सिद्धार्थ को देखते हैं तो हमको रियलाइज होना शुरू होता है कि मूवी एक कहानी नहीं बल्कि जर्नी है। इस मूवी का मेन प्रोटैगनिस्ट सिद्धार्थ एक डॉक्टर है, मतलब वो अभी अभी MBBS पास करके निकला है और उसको रूरल पोस्टिंग मिली है। जब भी कोई MBBS पास करता है तो उसको गांव की पोस्टिंग मिलती है, मतलब उसको MBBS पास करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम गांव में बिताना पड़ता है एक PHC में। PHC बेसिकली प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जो शहर से बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं और हमारा सिद्धार्थ भी वहीं पहुंच जाता है। जो शहर का एक लड़का है उसको गांव के तौर तरीके नहीं पता, ना वहां पर बिजली होती है, ना मोबाइल का नेटवर्क होता है, ना रोड से कनेक्टिविटी होती है। और बस इन्हीं सब चीजों से फ्रस्ट्रेट होकर जब वो वहां से निकलने ही लगता है बस तभी उसके सामने आती है वही हमारे स्पाइडरमैन वाली लाइन, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसे में हमारे डॉक्टर साहब क्या चुनेंगे ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। तो अगर एज इन मैं मूवी के बारे में बात करूं तो देखो मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है ना वो एट टाइम्स बहुत ज्यादा रॉ फील होती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत अलग टाइप की मूवी देख रहे हो। हाँ मूवी में ड्रोन शॉट्स हैं, हाँ मूवी में बहुत ज्यादा विजुअली ब्यूटीफुल एस्थेटिकली ब्यूटीफुल शॉट्स लिए गए हैं, लेकिन उसके अलावा कई सारे एकदम रॉ शॉट्स भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे शॉट्स को खिड़कियों के बाहर से लिया गया है, मतलब एक बंदा अगर एक रूम से दूसरे रूम में वॉक कर रहा है तो उस शॉट को एक खिड़की से दूसरी खिड़की के थ्रू दिखाया गया है। तो ट्रांजिशंस बहुत सिंपल है लेकिन वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुली काम करते हैं। फिर इसके बाद मूवी के जितने भी गाने हैं वो बहुत ही इमोशनली ड्रिवन है और आपको हिट करते हैं, और जो भी बैकग्राउंड स्कोर है ना उसको बहुत ज्यादा नेचुरल रखने की कोशिश करी गई है, मतलब वो सारा का सारा एकदम उड़िया फोकलोर म्यूजिक है और आपको एकदम वो गांव वाली फील देता है। फिर इसके बाद मूवी विजुअली बहुत ज्यादा गॉर्जियस है, एकदम बहुत बहुत, जो वो ओडिशा का लैंडस्केप कैप्चर किया है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। फिर इसके बाद बाबूसान मोहंती ने बहुत ही काबिल तारीफ काम किया है, वो डॉक्टर के रोल में एकदम परफेक्टली फिट हो रहे हैं और उनको देख के लगता है कि हाँ एकदम प्रोफेशनल है। एपिजियोटमी और फैल्सिपरम मलेरिया जैसे टर्म्स उन्होंने सही जगह पे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ यूज करे हैं तो लगता है कि हाँ है सही है। लेकिन इसके बाद मैं मूवी के उस मैसेज के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो मूवी डिलीवर करना चाहती है, आप तक पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वो मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो पर्सनली वो मुझे इतना हार्ड हिट नहीं कर पाया, लेकिन इससे पहले आप मुझे जज करने लगो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही है कि मूवी जो भी बताना चाहती है मैं उससे पहले से ही जानता हूं, मैं इसी प्रोफेशन में हूं, मुझे पता है कि PHC की कंडीशंस क्या है। जो चीज सिद्धार्थ मोहंती ने PHC पे जाकर एक्सपीरियंस करी वो मैं अपनी इंटर्नशिप में खुद PHC पे जाकर एक्सपीरियंस कर चुका हूं, एंड बिकॉज ऑफ द सेम रीजन ये मूवी मेरे लिए बहुत ज्यादा रिलेटेबल थी। मुझे पता है कि PHC पे कब लाइट रहती है कब नहीं रहती है, मुझे पता है कि PHC पे कब मोबाइल नेटवर्क्स आते हैं कब नहीं आते, मुझे पता है कि PHC पे कितने मच्छर होते हैं कितने नहीं होते, जब प्रिस्क्रिप्शन लिखो तो कई बार दवाई भी अवेलेबल नहीं होती है। तो दैट वॉज समथिंग वेरी वेरी रिलेटेबल टू मी। कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि दमन एक काफी ज्यादा अच्छी मूवी है, कंसिडरिंग द बजट जिसमें वो बनाई गई है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। मेरी बस एक ही शिकायत है कि इस मूवी को इतने कम शो क्यों मिल रहे हैं। अगर इसके शो बढ़ाए जाएंगे तो ऐसी मूवीज को लोग देखेंगे, ये अच्छा बिजनेस करेगी तो ऐसी मूवीज और बनेंगी। और ये टॉपिक्स ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिनके ऊपर और भी मूवीज बननी चाहिए ताकि लोग एटलीस्ट अवेयर तो हों कि आखिरकार हो क्या रहा है और उससे फाइट करने के लिए हम लोगों ने मेहनत कितनी करी है। सो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। आई वुड ओनली रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों के आसपास कहीं भी ये मूवी लगी है तो प्लीज गो एंड वॉच, दिस इज समथिंग डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।